माय नेम इज डॉक्टर निशा नागपाल। तो आज हम फिर इस चैनल में एक और डेंटल प्रॉब्लम के साथ आए हैं, एक और डेंटल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ मिथ्स को भी हम क्लियर करेंगे। तो यस, आज हम बात करेंगे आरसीटी यानी कि रूट केनाल ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम रूट केनाल ट्रीटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और किन लोगों को इसकी जरूरत होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूट केनाल ट्रीटमेंट के बहुत से मिथ्स हैं, उनमें से कुछ जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि अगर रूट केनाल ट्रीटमेंट हो गया तो दांत खराब हो गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी खराब दांत को ठीक करने के लिए ही तो ये ट्रीटमेंट करा जाता है, तो इससे ज्यादा खराब क्या होगा। और दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट होता है। ये भी नहीं है, ये एक बहुत ही पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसमें हम इंजेक्शन लगा के सुन करके इस ट्रीटमेंट को करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रूट केनाल ट्रीटमेंट होता क्या है और किन लोगों को इसको करवाना चाहिए। बट ये स्टार्ट करने से पहले हमको समझना पड़ेगा जो दांत होता है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। साथ में आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगी तो उससे आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे दांत की तीन लेयर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं। जो पहली लेयर होती है जो हमको दिखती भी है उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो आउटर लेयर होती है। दूसरी जो हमारी लेयर होती है वो होती है डेंटिन, और तीसरी होती है हमारा पल। तो अगर आपके ऊपरी हिस्से में या आउटर सरफेस पे कैरीज कैविटीज लगी है तो उस केस में जो क्या होता है, हमारे पास मशीन होती है, मोटर मशीन, उससे हम उसको कैरीज को हटाएंगे और उसको फिलिंग मटेरियल से भर देते हैं। अभी यही कैरीज जो है वो सेकेंड लेयर डेंटिन पे आ गई है, तो उस केस में क्या होगा कि हमको ठंडा गर्म लगता है और माइल्ड सा पेन होगा। उस केस में भी हम लोग उसको फिलिंग मटेरियल से भर के उसको पैक करके आपका टूथ सेव हो सकता है। बट अगर जो ये कैरीज है, कैविटी है, वो धीरे धीरे करते हुए फर्स्ट टू लेयर्स क्रॉस करते हुए पल्प तक पहुंच गई है, तो किस केस में रूट केनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा हमको। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रूट केनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमारी जो कैविटीज है, कैरी है, उसको तो हमने क्लियर कर दिया मशीन से। फिर उसके बाद क्या होता है, हम जो है केनाल ओपनिंग करते हैं। अब केनाल ओपनिंग क्या होती है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कुछ इस तरह से केनाल दिखते हैं। जो केनाल्स होते हैं वो एक सुई जितने होते हैं, इतने ज्यादा बारीक होते हैं। तो पिक्चर में तो काफी बड़े दिख रहे होंगे बट इतने बड़े नहीं होते हैं, एक सुई के बराबर होते हैं। अभी केनाल ओपनिंग कर दी है, वहां से जो है इन्फेक्शन को निकालेंगे, वो हम निकालते हैं फाइल्स के थ्रू। फोटो में देख रहे हैं आप, ये हमारी कुछ फाइल्स है, उसके थ्रू जो है वो हम इन्फेक्शन को इसके थ्रू बाहर निकालते हैं। और इसके बाद केनाल्स को साफ करा जाता है, इरिगेट किया जाता है मेडिसिन से। और केनाल्स को क्लीन करने के बाद इसमें हम एक मटेरियल डाल देते हैं जिसको गट्टा परचा बोलते हैं। ये एक ही प्लांट बेस्ड मटेरियल होता है, बायो कंपैटिबल है, कोई नुकसान नहीं होता इसका कि अगर ये केनाल्स में जा रहा है। तो इसको पैक करने के बाद हम केनाल्स को, उसके बाद हम इसके ऊपर फिलिंग मटेरियल भर देते हैं। तो इस प्रोसीजर में करते हुए 3 से 4 दिन और 1 दिन भी लग सकता है। 1 डे आरसीटी भी होती है, डिपेंड करता है कौन सा दांत है आपका और कितना इन्फेक्शन है आपको। तो इस चीजों पे डिपेंड करता है कि कितने दिन लगेंगे आपके दांत को ठीक होने में। केनाल को भरने के बाद उसके ऊपर हम टेम्परेरी फिलिंग करते हैं, वेट करते हैं पूरा अच्छी तरह, जब तक दर्द चला जाता है फिर उसको हम एक परमानेंट फिलिंग से पैक कर देंगे। तो अब ये हमारी आरसीटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद दांत को ट्रिम करा जाता है और उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैप। तो ये तो हमारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गए आरसीटी के। और एक बात ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो केडीज है वो आउटर लेयर पे लगी है या फिर हमारे डेंटिन में लगी है या पल्प तक लगी है, ये जो है हम रेडियोग्राफ्स के थ्रू देखते हैं। रेडियोग्राफ में पता लगता है कि कितनी जो केडीज है वो कहां तक एक्सटेंड हो गई है।
तो गाइस आज की वीडियो तो बस यहीं तक ही थी। आई होप अब आपको आरसीटी के बारे में मिथ्स जो है वो क्लियर भी हो गए हो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस आपके लिए बनाती रहती हूँ। लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो।